हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव स्टील पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया। हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है, आइए देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में मुख्यतः होने का कारण, इसकी अगर हम बात करें तो चर्चा में होने का, तो हम देख रहे हैं कि बीते दिनों वित्त मंत्री सीता रमण ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से खत्म करने के लिए एक मिशन मोड की शुरुआत की बात कही की बात की। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, यानी सिकल सेल एनीमिया। अब हम इस डिजीज के बारे में बात करेंगे, ये रोग होता क्या अंत में। जैसा हमें पता है कि यह एक वंशानुगत रोग है, यानी वंशानुगत रोग है जो भारत के साथ साथ अफ्रीका अरब और अन्य देशों में इसकी आम स्थिति है। अब हम बात करेंगे कि यह एक विकार है। विकार का मतलब इंग्लिश में होता है डिसऑर्डर होता है। विकार है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। और इसके लिए हम एक नोट बनाएंगे। नोट ये होगा कि हीमोग्लोबिन ये क्या होते हैं। तो जैसा हमें पता है कि RBC यानी ये जो हीमोग्लोबिन होते हैं, ये RBC में मौजूद अणु होते हैं जो शरीर के समस्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। अब देखते हैं कि ये रोग अतः होता क्या है। तो हम देखेंगे कि जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, यानी जो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, उसमें क्या होता है कि उनमें एक हीमोग्लोबिन एक S अणु होता है उनके रक्त में या उनके ब्लड में। जो RBC को अर्ध चंद्र कार में परिवर्तित
कर देते हैं। अब हम बात कर ले इसके साइज की, अतः इसका आकार कैसा होता है। तो बात यहाँ पर आ रही है कि ये अर्धचंद्राकार क्या होता है। तो जैसे हमें पता है कि जो हमारा आरबीसी होता है वो जनरली उभयावतल होता है। तो उभयावतल की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, लेकिन जब व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो जाता है तो उसका जो ब्लड होता है ये खासकर कुछ हसीये के आकार का हो जाता है, और इसी को हम अर्धचंद्राकार के नाम से जानते हैं। रक्त के प्रवाह यानी ये करता क्या है शरीर में, ये डिजीज यानी क्या क्या इफेक्ट हमारे शरीर में पहुंचाता है, इन ये रक्त के प्रवाह को रोक देता है, रक्त के प्रवाह को रोक देता है, तथा साथ ही शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन को पहुंचने से भी रोकता है। ये तो बात होगी कुछ सिकल सेल एनीमिया की, लेकिन अब इसके हम लक्षण की बात कर ले, कैसे पता करेंगे सिकल सेल एनीमिया क्या है। तो इनके लक्षण की हम बात कर लेते हैं। तो इनके लक्षण होते हैं, लक्षणों में शामिल है इसे गंभीर दर्द का होना, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे कहा जाता है, यानी जिसे सिकल सेल क्राइसिस कहा जाता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सिकल सेल क्राइसिस। तो क्राई मतलब चिल्लाना होता है, यानी ये ऐसे एक विशेष प्रकार के गंभीर रोग हैं जिसमें व्यक्ति के शरीर में दर्द होने लगता है, और ऐसा दर्द होता है जो कि असहाय भी होता है। तो ऐसे ही दर्द की स्थिति को हम लोग नाम दे देते हैं सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अब बात करते हैं और इससे क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं बॉडी में हमारे। तो इससे अत्यधिक थकान के साथ साथ हाथ पैरों में ज़्यादा सूजन, पीलिया आदि इसके लक्षण होते हैं। अगर हम इसे पॉइंट कर ले तो हमें समझ में और आसानी हो जाता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, खासकर फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट एंड चौथा पॉइंट। इसके साथ साथ व्यक्ति के शरीर में और विशेष प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे अब ये क्या हो सकते हैं, यानी पीड़ित व्यक्तियों में, ये पीड़ित व्यक्तियों या लोगों में, यानी हम कह सकते हैं पीड़ित लोगों में, यानी यकृत गुर्दे फेफड़े हृदय और प्लीहा जैसे अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका प्रसार और इलाज क्या है।
तो हेडिंग देंगे यहाँ पर हम प्रसार और इलाज। प्रसार का मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि ए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। तो अभी हमने बात किया था कि ए रोग जो है वंशानुगत होता है, तो वंशानुगत का मतलब ये होता है कि यानी जिस बच्चे का जन्म होता है, यानी जन्म के दौरान हम कह सकते हैं कि जन्म के दौरान माता पिता से स्थानांतरित होता है, अतः हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि माता पिता पिता दोनों इसके वाहक होते हैं। तो वाहक का मतलब यहाँ पर मैंने फैलाने वाले होते हैं। अब इसका हम उपचार की बात कर लेते हैं कि इसका उपचार या इलाज कैसे होगा। तो इसी में हम एक ले लेते हैं हेडिंग के रूप में, इलाज कह सकते हैं यहाँ पर, इलाज हो गया। अब इलाज तो हो जाता है इसका, लेकिन समय रहते पता चलना चाहिए। तो इलाज के रूप में जैसे डॉक्टर से सलाह लेना, और डॉक्टर से सलाह नहीं लेने के साथ साथ दवाओं का सबसे बड़ा रोल इसमें देखने को मिलता है। तो ले सकते हैं यहाँ पर दवाएं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्यूजन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो का मतलब ये ऐसा बॉडी का भाग है जहाँ पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो अगर जिस व्यक्ति में एनीमिया जैसी समस्या है, तो हम क्या करेंगे, हमें उसकी बोन मैरो को ट्रांसप्लांट भी कर हम उसकी बॉडी से रक्त को मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्यक्ति को हरी सब्जियाँ और हरी सब्जियों में ज़्यादातर हमें पालक लेना चाहिए। पालक का मतलब यहाँ पर इसलिए हम लेंगे पालक क्योंकि पालक में आयरन की मात्रा पाई जाती है, और हमें ये भी पता है कि आयरन में एक विशेष प्रकार का लौह तत्व पाया जाता है जिसका नाम ही आयरन होता है, तो हमें इसे भी ध्यान देना चाहिए। अब इसे हम क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसे पॉइंट बना लेते हैं। इसे फर्स्ट पॉइंट हो गया दवाई का सहारा ले सकते हैं, दूसरा रोगी व्यक्ति के शरीर से ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करके यानी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, दूसरा रोगी व्यक्ति के बोन मैरो को ट्रांसप्लांटेशन कर साथ साथ हरी सब्जियां लेकर, और हरी सब्जियों के साथ साथ हमें पालक जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों का भी सेवन करना चाहिए। तो थैंक्स फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स।